दाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का। ये देख नहीं मारा ना। नहीं देखिए। अरे रख लेना मामू, तेरे लिए फ्री है। गेट वेल सून लकी। शुक्रवार तक अपना धंधा कर लीजिए और उसके बाद शनिवार के दिन से हम अगले शुक्रवार तक रोड बनाने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो ऐसा है कि भिवंडी शहर में जो है जगह जगह पे इंक्रोचमेंट होने की वजह से तरक्की काम रुक जाते हैं, विकास का काम हो नहीं पाता है और लोग लापरवाही करते हैं। वहाँ जो नगर सेवक वगैरह भी जो रहते हैं वो लापरवाही करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है और कॉर्पोरेशन में छोड़ देते हैं। तो ये जो मार्केट है ये आने वाले 8 दिनों के लिए फिर बंद रहेगा क्या? पहले हम पुल लेके समझाते हैं सबको और बाद में हम जो अगर जरूरत पड़े तो ही कार्रवाई करेंगे। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज भिवंडी के शांति नगर इलाके में हमें एक गांधीगिरी नज़र आई। गांधीगिरी इस तरह से कि भिवंडी भाजी मार्केट में अभी फिलहाल ड्रेनेज का काम हुआ था और हाल फिलहाल में रोड का काम शुरू होने वाला है। तो उस रोड के काम के शुरू होने के लिए जो भाजी मार्केट के अंदर जो ठेला गाड़ियाँ लगती है, जो दुकानें लगती है रोड के बाहर जो लगती है, तो उनको हटवाने के लिए प्यार मोहब्बत यहाँ के नगर सेवक अबू सुफियान शेख ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक पहल की है। लोगों को फूल देकर, लोगों को प्यार मोहब्बत से जो है अपनी गाड़ियों को हटाने के लिए कहा ताकि आसानी से जो है रोड बनने जाए। तो इस संदर्भ में जो है हम लोग उनसे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में अबू सुफियान शेख है और साथ में मनपा के कई अधिकारी भी है जिन्होंने उनकी मदद की इन लोगों को आह्वान करने के लिए। तो सुफियान भाई क्या कहेंगे इसके बारे में, जो आपने आज फूल दिया तो ये जो पहल थी कहाँ से आपको इसका आइडिया है बताइए। देखिए ये रोड का जो काम चालू होना है इसमें ये भाजी मार्केट, शांति नगर भाजी मार्केट, यहाँ बहुत भीड़ रहती है और बहुत इंक्रोचमेंट है इसलिए रोड का काम हो नहीं पा रहा है। तो हमने चाहा कि म्यूनसिपलिटी कार्रवाई करेगी तो इनको बड़ा नुकसान होगा, तो हमने चाहा कि हम गांधीगिरी करके एक एक गुलाब का फूल देके चले। हमारे भाजी मार्केट में ये इनका ठेला लगाते हैं तो इनको भी हम भाजी फूल देके आह्वान कर रहे हैं कि आप शुक्रवार तक अपना धंधा कर लीजिए और उसके बाद शनिवार के दिन से हम अगले शुक्रवार तक रोड बनाने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रोड खाली कर दे और साथ ही हमने मास्क का भी आह्वान किया कि आप लोग मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इसलिए हम प्रेम से बता रहे हैं। और इनके फ़ायदा मार्केट का ये है कि नगर पालिका कार्रवाई करेगी तो इनके नुकसान हो सकते हैं, इसलिए हमने गांधीगिरी से अपनाया है। तो ये जो मार्केट है ये आने वाले 8 दिनों के लिए फिर बंद रहेगा क्या? आने वाले 8 दिनों के लिए इनको खाली करना है। तो ये अमन मंजिल का लाइन है, ये KGN चौक का लाइन है और अंदर टिपू सुल्तान रोड का लाइन है, वहाँ ये लगा सकते हैं, अपना धंधा कर सकते हैं, लेकिन रोड बनाने के लिए तो खाली करना ही पड़ेगा। अच्छा। कोई इसका हल नहीं है। रेश भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो ऐसा है कि भिवंडी शहर में जो है जगह जगह पे इंक्रोचमेंट होने की वजह से तरक्की काम रुक जाते हैं, विकास का काम हो नहीं पाता है और लोग लापरवाही करते हैं। वहाँ जो नगर सेवक वगैरह भी जो रहते हैं वो लापरवाही करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है और कॉर्पोरेशन में छोड़ देते हैं। तो हमारे जो सुफियान शेख हैं यहाँ के हमारे नगर सेवक, तो इन्होंने एक अच्छा आइडिया निकाला, इलाके के मोतेबर लोगों को भी जमा किया, अलग अलग पार्टी के लोगों को जमा किया, अपने दोस्तों को जमा किया, मानपा अधिकारी को बुलाया और एक अच्छे तरीके से पब्लिक को समझा। पब्लिक भी कॉपरेट कर रही है बहुत अच्छे से, सबने बोला है कि हम शुक्रवार को जो है धंधा करके शनिवार को गाड़ी हटा देंगे। एक बार रोड बन जाएगा, ये बहुत पुरानी भाजी मार्केट है, एक बार ये रोड बन जाएगा तो इसके बाद ये अपनी जगह पर वापस लगा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन में मेरी एक गुजारिश है मानपा अधिकारी से कि 8 दिन नहीं, गरीब लोग है, 2 से 3 दिन में काम को ख़त्म कर दिया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि बेचारे सब रोज़ के हाथ कमाई वाले लोग हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके इनको वापस अपनी रोजी रोटी पर लाया जाए। और सुफियान भाई ने और मनपा अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया, पाटिल साहब आए हैं हमारे और मात्रे साहब हैं, माड़ी साहब है और जो भी जितने अधिकारी हैं, डॉक्टर नासिर है हमारे दोस्त, अरशद मिर्ज़ा है, ये सब लोगों ने यहाँ पर सबने कॉपरेट किया, अलग अलग लोगों को बुलाकर सबसे बातचीत की गई और हम सब ने सबको फूल दिया और सब ने कॉपरेट का जो वादा किया हम सब कॉपरेट करेंगे, सब खुशी खुशी हटाने तैयार है। मात्रे साहब तो बोल रहे थे कि हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर कोई नहीं हटाता है, लेकिन मात्रे साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने मोहल्ला अपना है और उस टाइम कोई अड़ी भी करता है हम मोहब्बत को समझा लेंगे इंशाल्लाह। हाँ पंडित साहब आप बताइए इसके बारे में कि ये जो फूल देने का जो कार्य जो आज हुआ है लोगों को समझाने का, तो इसके पहले कभी कोई भिवंडी में हुआ था कैसा? नहीं ये रोड वाइडनिंग के लिए तो नहीं हुआ था, बाकी जो मास्क ले वगैरह हुआ अच्छी है, ये पहल अच्छी है बहुत ही, हमें भी अच्छा लगा कि पहले फूल लेके हम समझा रहे हैं, जब रोड का काम चालू होगा अगर नहीं हटाया तो जैसे बोल रहे इनको भी बुलाएंगे और हमारे यहाँ से भी जो जरूरी होगी वो कार्रवाई करेंगे। हमें सिर्फ काम के लिए जगह चाहिए, काम होगा तो जब स्टार्ट से एंड तक हमें कॉपरेशन चाहिए, वैसे लोगों ने बोला है
कि वो करेंगे, अच्छा है, नगर सेवकों का भी सहकार अच्छा है और उन्होंने ही यह पहल की है कि पहले हम फूल लेके समझाते हैं सबको और बाद में हम जो अगर ज़रूरत पड़े तो ही कार्रवाई करेंगे। तो आपका क्या कहना है आने वाले समय में जो शहर के और भी कई अलग 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 जगहों पर इस तरह का अगर कार्य होता है तो वो क्या अच्छी बात है, मतलब अगर इस तरह की गांधीगिरी करनी चाहिए? बहुत बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पहले समझाना चाहिए था, हम लेके नोटिस देते शायद लोगों को पढ़ना नहीं आता या फिर मिलती नहीं, ऐसा बाकी जो भी मसला होता रहता है उसके लिए बहुत अच्छा हल है कि एक बार जाके मिल के उनको समझा दे प्यार से और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो कार्रवाई करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अर्षद भाई है हमारे साथ में, अर्षद भाई क्या कहेंगे इसके बारे में? ये भाजी मार्केट वाले को नुकसान ना हो इसके लिए इनको गुलाब का फूल दे रहे हैं कि पब्लिक फिर बाद में बोलती है यार नगर पालिका कार्रवाई कर रही है, तो इनका नुकसान ना हो इसके लिए इनको फूल दे के समझाया जा रहा है और फिर कॉर्पोरेशन ये लोग सब अपना हटा लेंगे तो कॉर्पोरेशन अपना काम करे अच्छे से और कॉर्पोरेशन को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो भाजी मार्केट वाले, थोड़ा इधर आओ भाई, इधर आओ, आगे आओ। आपका क्या कहना है? देखो अभी इनके तो सबकी राय जाने हमने, आपका क्या कहना है? ये आंटी नगर आपका बंद रहेगा ठेला, तो क्या आप लोगों का क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा? नहीं, दो तीन दिन में हो जाना चाहिए, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि दो तीन दिन में हो जाए क्योंकि सब गरीब लोग हैं, दो तीन दिन में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यार आप मदद करते नहीं, मेरा क्या बोलना है सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में 4 महीना बंद रखे थे ना, तो फिर अभी अगर 8 दिन बंद रखेंगे अपने इसके लिए तो अच्छा ही। हाँ अच्छा ही है, मार्केट बन जाएगा अच्छा ही हमारे लिए, तो मार्केट बहुत दिन से जगह नहीं है मार्केट में। तो क्या क्या बोलना चाहेंगे शायद भाई इसके बारे में? आप भी हैं भाजी मार्केट में ही आपका कारोबार है ना, इनकी दुकान है ना, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा नगर सेवक सुफियान सिंह ने जो फूल देकर जो लोगों को किया है, तो मैं मार्केट का जो है कारगुजार सदर होने की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि नगर सेवक सुफियान सिंह ने जो किया है हम लोग जो है इसके ऊपर राजी है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अच्छे से रोड बनाइए, 2-3 दिन लगता है चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट। दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे मनपा अधिकारी ने बहुत ही स्पष्ट किया है कि हम लोग से पहले एक ही नोटिस देते थे, हो सकता है कहीं लोगों को पढ़ने नहीं आता होगा, तो ये जो पहले काफ़ी अच्छी है कि लोगों को पहले प्यार मोहब्बत से समझाया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो ही उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक अबू सुफियान साहब ने जो यहाँ पर जो पहल की वाकई में काबिल तारीफ है और इसी तरह की एक्टिविटी सारे शहर में लागू होनी चाहिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।